Hey guys, this is Sneha, a teacher and a senior executive in finance by profession. And in this video, I'll be telling you how to pronounce most commonly mispronounced words in our country. Okay, so let's get started. This is a list of 22 words. Okay, तो ये वो सारे words हैं जो कि हम भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप सभी इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं. बहुत सारे हैं ऐसे, काफ़ी लोग हैं, मे बी आप में से कुछ होंगे जो इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं. ओके, तो हम वो सारे वर्ड्स आज देखेंगे. सारे नहीं, ये 24 वर्ड्स हैं. 24 वर्ड्स हम देखते हैं कौन से हैं जिनको हम मिसप्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, मोस्टली मिसप्रोनाउंस उसको किया जाता है. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ press the like button, and if you are new on my channel then please subscribe the channel, and if you like the video then please comment in the comment section also. Okay, so learn along with me and please share it to somebody who wants to learn and who will get help from my video. And now let me warn you one more thing, that I'm not going to tell you how to roll your tongue and how to produce some different sounds. Ki aise karna hai, kai baar batate hai na ki roll karo tongue ko aise and aise. Nahi, aise main kuch nahi bataungi aapko. Itne professional teacher, professional way mein nahi bataungi. I will just tell you in a very simple and plain way. Okay, to chaliye, first जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट वर्ड होगा डेट विल बी वेडनेसडे. वेडनेसडे, तो वेडनेसडे नहीं होता है, इट वेडनेसडे. क्या होता है? वेडनेसडे. लाइक आई प्लान्ड अ बर्थडे पार्टी फॉर माय सिस्टर ऑन वेडनेसडे, करेक्ट. नाउ सेकंड वर्ड विल बी प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन, नो, इट विल बी प्रोनाउंसिएशन. ओके, हमारी ये मिस्टेक कैसे होती है प्रोनाउंसिएशन की, एक्चुअली हमारा जो वर्ब है प्रोनाउंस, हम जिसको बोलते हैं प्रोनाउंस, ओके, तो उसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि प्रोनाउंसिएशन होगा या प्रोनंसिएशन होगा. ठीक है, इस वजह से. बट इट इज प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट. नाउ थर्ड वर्ड विल बी कैश. ठीक है, ये सी ए एस एच वाला कैश नहीं है, सी ए सी एच ई, जो कि हमारे सिस्टम में लगती है, कैश, जिसको हम कहते हैं. कई बार लोग कहते हैं कैशे और सैचे, कुछ भी बोलते हैं. नो, इट्स कैश. ओके, इट्स कैश. नाउ द फोर्थ वन इज वेरी बेसिक, दिस इज ऑफ्टन. नो, इट्स ऑफन. ऑफन, ओके. नाउ फिफ्थ वन इज स्टेटस. नो, इट्स स्टेटस. ओके, स्टेटस. नो, इट्स स्टेटस. Now sixth one is hotel. No, it's hotel. Hotel नहीं बोलते इसको, हम क्या कहते हैं? Hotel. Now the seventh one is career. No, it's career. क्या होता है? Career. Career तो आपका वो हो गया ना जो साइकिल के पीछे होता है, उसको career बोल सकते हैं. It's career. C A R E R. Okay, career. Now eighth one is says. No, it's says. ठीक है, जो एस ए वाई एस सीज कहते हैं. नो, इट्स सेस. नाइन्थ इज वुमेन. नो, इट्स विमेन. डब्ल्यू ओ एम ई एन, विमेन, नॉट वुमेन, इट्स विमेन. ओके, वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन, राइट. नाउ नाइन्थ वन इज व्हाट विल बी इट, कमेंट. और जनरली हम क्या बोलते हैं? कमेंट. प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट कर देना, प्लीज़ मेरे प्रोफाइल फोटो पे कमेंट कर देना. नो, इट्स कमेंट. क्या करना है? कमेंट. सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक द वीडियो, करेक्ट. नाउ द टेंथ वन इज ज्वेलरी. नो, इट्स ज्वेलरी. ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी. आई प्रिफर गोल्ड ज्वेलरी ओवर आर्टिफिशियल. नाउ ट्वेल्थ फोटोग्राफर. क्या होता है? फोटोग्राफर. फोटोग्राफर नहीं, इट्स फोटोग्राफर. फोटोग्राफी नहीं, इट्स फोटोग्राफी, राइट. नाउ मोस्ट कॉमन ट्वेल्थ इज डेवलप. नो, इट्स डिवेलप. डेवलप नहीं, डिवेलप, राइट. नाउ थर्टींथ
प्लम्बर नो इट्स प्लम्बर. जब भी हमारा एम और बी एक साथ आता है, हमारी मोस्ट सी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एम और बी साथ में आता है, तो उसमें जो बी होता है इट विल बी साइलेंट. ओके इट विल बी साइलेंट. इट्स प्लम्बर. क्लाइंब इसमें भी एम भी साथ आए, क्लाइंब बी विल बी साइलेंट, बी बहुत लाइट आएगा. ओके नाउ इस तरीके से थम नो इट्स थम. ब नहीं बोलना, ब को हमें साइलेंटली बोलना है, बहुत अंदर रखना. ठीक है, जब भी हमारे एम और बी ये वाले वर्ड्स आते हैं तो क्लाइंब नॉट क्लाइंब, क्लाइंब. थम नो थम. ठीक है, तो इसी तरीके से प्लम्बर. नाउ ये हमने 3-4 वर्ड्स और ले लिए, देन इट विल बी आवर 17th वर्ड व्हिच इज डेप्ट. नो इज डेट. बी विल बी साइलेंट. डेप्टर नो डेटर. debtor डेटर नॉट डेप्टर. नाउ 19th रिसिप्ट. नो इट विल बी रिसीट. Hope you like the video. If you like the video, then please press the bell icon. Because कि bell icon press करके रखेंगे तभी आप लोगों को जितनी भी notifications है वो मिलती रहेंगी. और video को like करना बिल्कुल मत भूलिए. Share करिए, comment section में comment करके ज़रूर बताएं कि video कैसा लगा. Okay, thank you for watching. Bye bye.